जय हिंद साथियों, आप सभी का सैनिक वेलफेयर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे डिफेंस पेंशनर्स की, खासकर वो पेंशनर्स जो 2016 से पहले रिटायर हो चुके हैं। जैसा कि हमें मालूम है, हमारी पेंशन की सारी प्रक्रिया अब स्पर्श में माइग्रेट होने जा रही है। जो पोस्ट 2016 यानी 2016 के बाद जितने भी पेंशनर्स थे, उनका काम लगभग माइग्रेशन का समाप्त होने जा रहा है और अब प्री 2016 के रिटायरी का काम शुरू होने वाला है। तो इसी कड़ी में स्पर्श ने एक योजना के तहत ऑप्शन मांगा हुआ है। क्या ऑप्शन है? उस ऑप्शन का नाम है नॉन माइग्रेशन कंसेंट, यानी गैर प्रवासन सहमति। यानी सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि आपने स्पर्श में माइग्रेट होना है या आप जहां से अभी पेंशन ले रहे हैं वर्तमान में वहीं से लेना है। तो क्या ऑप्शन है, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में टाइप करना है spars.defencepension.gov.in। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आप स्पर्श की साइट में पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैंने स्पर्श की साइट खोली हुई है। यहाँ पर जाने के बाद आपने सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद आपने ट्रैक में जाना है और नॉन माइग्रेशन कंसेप्ट यानी 1, 2, 3, 4 फोर्थ में है नॉन माइग्रेशन कंसेप्ट, इसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने कुछ इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें ऊपर लिखा होगा नॉन माइग्रेशन कंसेंट। अब इसमें एक्सिस्टिंग पीपीओ नंबर और एक्सिस्टिंग पीडीए, यानी आपने अपना पीपीओ नंबर डालना है और जहां से वर्तमान में आप पेंशन ले रहे हैं उसका नाम डालना है। सीपीडीएस से ले रहे हैं या डीपीडीओ से ले रहे हैं या बैंक से ले रहे हैं। नाम देने के बाद इसमें डिक्लेरेशन किया होगा, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द डिटेल्स मेंशन्ड अबव इज करेक्ट एज पर माई नॉलेज। I would like to be migrate to SPARS or would continue to draw my pension from the existing PDA. Yes या no? तो यदि आपने अपने बैंक जहां से आप ले रहे हो पेंशन वहां से आपने कंटिन्यू रखना है तो यस में क्लिक करें, यदि आपने माइग्रेट होना चाह रहे हैं तो नो में क्लिक करें और इसको आई एम नॉट रोबोट में क्लिक करके वैलिडेट एंड प्रोसीड आप जैसे ही करेंगे तो ये आपकी रिक्वेस्ट स्पर्श साइट में पहुंच जाएगी। अब दोस्तों, इनका एम है कि ये कलेक्शन हम लें और कितनी मात्रा में हमारे पास जो प्री रिटायरी है वो चाह रहे हैं कि अपनी पेंशन यथास्थित रहे, तो कितने वो लोग हैं उनका वो ऑप्शन देखना चाह रही है। उस ऑप्शन के बाद ही वो अपने आगे की कार्रवाई डिसाइड करेगी और वो हमें बताएगी कि क्या करना है, ये होगा या नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों, यदि आपने अपने बैंक को कंटिन्यू करना है तो ये ऑप्शन आप जल्दी से जल्दी भेजें। अभी ये शुरू हुआ नहीं है, शुरू होते ही आपको इंटीमेशन आ जाएगी और ये इंटीमेशन आपके स्पर्श साइट में रजिस्टर हो जाएगी, उसी के अनुसार यह कार्रवाई आगे होगी। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।